लंग कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लंग कैंसर के मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षणों को जल्द नोटिस कर लिया जाए और सही समय पर सही इलाज ले लिया जाए। आज हम आपको अपने इस खास शो में लंग कैंसर के बारे में जरूरी जानकारियां देंगे। कैसे बचा जा सकता है लंग कैंसर से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, एचओडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो हेलो डॉक्टर में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, आई एम डायरेक्टर एंड यूनिट हेड कैंसर डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लंग्स कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसी पर जानकारी देते हुए आप हमारे दर्शकों को लंग्स कैंसर के बारे में बताएं। तो लंग कैंसर आप जैसे समझ सकते हैं कि नाम से ही एविडेंट है कि फेफड़ों का या लंग का कैंसर है। अगर हम लंग का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारी ट्यूब्स होती हैं जो हवा को आगे लेके जाती है, और फिर एयर सैक्स होते हैं जहाँ से हवा, ऑक्सीजन हमारी ट्रांसफर होती है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अगर ये पूरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी कैंसर का चेंजेस आ जाए, मतलब सेल्स जो हैं वो कैंसरस फॉर्म ले लें, तो वहाँ पे सेल्स एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लगते हैं और वो एक गांठ बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो गांठ बढ़ती है तो कुछ ना कुछ आसपास के एरियाज को वो प्रेस करती है जिससे कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, और जब वो गांठ आसपास के ब्लड वेसल्स के कॉन्टैक्ट में आके ब्लड से के अंदर घुस जाती है तो वो कैंसर आगे फैल भी सकता है। ये मुख्यतः जो होता है ये दो किस्म का होता है, जिसे हम नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं। अगर हम देखें इन दोनों वेराइटीज में तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर बड़ा कॉमन है और अमूमन 80-85% लोगों को ये नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर ही होता है, और इसके वेरियस सब टाइप्स भी हैं, और जिसको एडीनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं 10-15% केसेस वो आपके स्मॉल सेल कार्सिनोमा के होते हैं, और फिर कुछ छोटी मोटी वेराइटीज़ और भी बच जाती हैं। ये क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे ट्रीटमेंट के डिसीजंस, बीमारी के आउटकम और पेशेंट के ओवरऑल ट्रीटमेंट एंड सर्वाइवल पे इम्पैक्ट लाते हैं। लंग्स कैंसर से कितने लोग ग्लोबली और इंडिया में इफेक्टेड हैं? देखिए, लंग कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर होगा, और लगभग 2.2 मिलियन केसेस हर साल आते होंगे, जिनमें से अबाउट 1.7 मिलियन केसेस की डेथ भी हो जाती है। अगर हम अपने देश के परस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे ये चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है, पर चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर होते हुए भी ये सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ है इंडिया में। इसका मतलब इसमें हाई रेट ऑफ मोर्टैलिटी है। तो ये कैंसर है जिसको हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ठीक स्टेज पे इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये फेटल हो सकता है। लंग्स कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, लंग कैंसर का प्रमुख और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग। एंड अगर मैं अपने मरीजों की बात करूं और मैं उनसे, जो मेरे लंग कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनसे मैं कभी पूछूं कि उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है या नहीं है, तो 80-90% पेशेंट्स स्मोकिंग की हिस्ट्री देंगे। तो ये एक सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनी कैंसर एज वेल एज लंग कैंसर है। पर आजकल की डेट में देखा गया है कि लंग कैंसर नॉन स्मोकर्स में भी बढ़ रहा है, तो इसके और भी कारण हैं। तो सबसे कॉमन कारण एक होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। अब सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है कि जो आदमी होता है वो खुद तो स्मोक नहीं करता, पर जिस एनवायरनमेंट में वो रहता होता है या उसके परिवार में कोई जना स्मोक करता है, जिससे कि जो वो धुआं है वो अपने भी फेफड़ों में लेता है, उसके कारण कैंसरस चेंजेस डेवलप हो जाते हैं और उस मरीज, उस इंसान को भी लंग कैंसर डेवलप हो जाता है। बाकी कारणों के बारे में ध्यान दिया जाए तो जो लोग केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं और केमिकल से एक्सपोज होते हैं, जैसे क्रोमियम, बेरिलियम, उनमें भी ये कैंसर बढ़ावा पाया जाता है। साथ ही साथ जिनको रेडॉन गैस से एक्सपोजर होता है उनमें भी पाया जाता है। और जो ध्यान नोटिस करने की चीज़ है वो ये है कि जो मरीजों को फेफड़े ऑलरेडी थोड़े ख़राब होते हैं किसी भी कारण, स्मोकिंग के कारण, जिनको अस्थमा, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, उनमें लंग कैंसर ज़्यादा
होने के चांसेस होते हैं, और साथ ही में जैसे हमारा उम्र बढ़ती है उतना ही ये कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उतना ही इंसिडेंस ऑफ पैसिव स्मोकिंग या एक्टिव स्मोकिंग बढ़ता है, तो ये कंपैरेटिवली ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है। कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में, ये फैमिली में भी पाया जाता है जो एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में ये हुआ करता है। लंग्स कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, लंग कैंसर के विभिन्न किस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं, और जब ये बीमारी बहुत छोटी होती है तो शायद कोई सिम्टम्स ना भी हो। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं खांसी। अब खांसी हम में से सबको होती है, बट अगर ये खांसी परसिस्टेंट रह रही है, जो ठीक नहीं हो रही या बढ़ते जा रही है, तो फिर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। खासकर अगर इसमें बलगम बार बार आ रहा है और वो जो बलगम है वो उसमें ब्लड भी है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये कुछ ऐसी तकलीफ ना हो। सेकेंड, हमें सांस फूल सकता है, तो अगर सांस फूलता है बैठे बैठाए या एग्जर्शन पे, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। छाती में दर्द हो सकता है, खासकर जब हम गहरी सांस लें या खांसी करें यहाँ से, उस समय पे हमें एकदम छाती में अगर एक्यूट पेन हो, तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स हो सकता है हमारा लंग कैंसर का। इसके साथ साथ भूख कम लगना, जिसमें खाने का मन नहीं करना पेशेंट को, और साथ ही साथ एक टायर्डनेस रहना हर वक्त, फटीग जिसे हम कहते हैं, जो पेशेंट अपने आप को कमज़ोर महसूस करते रहता है, इस टाइप के भी सिम्टम्स होते हैं। कई बार जो बीमारी है वो दूसरे ऑर्गन्स में चले जाती है, और अगर वो हड्डियों को इफेक्ट कर देती है तो हड्डियों में पेन हो सकता है, तो बोन पेन्स हो सकते हैं। अगर कई बार वो ब्रेन में चले जाए तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, और अगर लिवर में चले जाए तो सबसे पहले भूख ना लगना, उल्टी आना, या कई बार जॉन्डिस के साथ भी ये बीमारी पेश कर सकती है। तो लंग कैंसर के जो सिम्टम्स हैं ना, ये बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, ओवरलैपिंग सिम्टम्स कह सकते हैं जिनको हम कहते हैं, जो और बीमारियों के साथ ही ओवरलैप करते हैं। बट हमें जो ध्यान रखना है इस बात का कि इनमें से अगर कोई भी सिम्टम ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा, कुछ समय के लिए तो किसी को भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, बट अगर ये परसिस्टेंट रह रहे हैं ये सिम्टम्स, तो हमें ज़रूर अपने किसी एक्सपर्ट से इस बारे में एडवाइस लेनी चाहिए। वहीं अगर फैमिली में किसी को लंग्स कैंसर है, तो कितने चांसेस हैं कि परिवार में किसी और को भी ये कैंसर हो जाए? तो देखिए, बहुत कॉमन नहीं है जो हम ये सोचें कि ये फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये किसी कारण से ट्रांसमिट हो रहा हो। पर हाँ, अगर ये कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें लगभग 7-8% केसेस में ऐसा होता है कि फैमिलीज में चल रहा होता है और फैमिली की क्लस्टरिंग हो रही होती है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी पड़ती है जब हम किसी भी पेशेंट को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जैसे काफी लंबे समय से स्मोकिंग की आदत है, क्या उस व्यक्ति को स्मोकिंग क्विट करने से कोई बेनिफिट होगा? अरे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लोग समझते हैं कि अब तो एक बार स्मोक कर लिया, अब जो गड़बड़ हो सकती थी वो तो हो गई, अब आगे क्या हो सकता है। पर यही मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से वो स्मोकिंग बंद करेंगे, उस दिन से ही चेंजेस रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, और उनके फेफड़े में जो हैं बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो अपनी स्मोकिंग को 10 साल तक बंद रखते हैं, तो उनका चांस ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर 50% कम हो जाता है किसी और इंसान के कंपेरिजन में जो कंटिन्यूसली स्मोक करे जा रहा है। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो स्मोक करते हैं तो बहुत ही गंदी आदत है, इसको छोड़िए। इसमें आप अपने आप को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, परंतु सेकेंड हैंड स्मोक के कारण आप अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, कई बार लोग कहते हैं हमने तो अपना जीवन जी लिया, हम और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें स्मोकिंग से अच्छा लगता है, आप क्यों हमें रोक रहे हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, पर जो आपके प्रियजन, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी स्मोक से एक्सपोजर होकर नुकसान हो रहा है। तो सिर्फ आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को भी नुकसान पहुंचा रहे। लंग्स कैंसर पर इतनी रिसर्च और डेटा होने के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? तो देखिए, लंग कैंसर की इतनी जानकारी होने के बावजूद हमारे जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो लेट स्टेजेस में क्यों डायग्नोस होते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो एक प्रमुख कारण है कि जब इस लंग कैंसर छोटा होता है तो इसके अंदर सिम्टम्स यूजुअली ना हो शायद, और बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स हो जो पेशेंट इग्नोर कर देता है। जब सिम्टम्स डेवलप होते भी हैं, उस समय पे
सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मोस्टली ये कैंसर स्मोकर्स में पाया जाता है, तो ये जो सिम्टम्स आते हैं ये स्मोकर्स में थोड़े बहुत वैसे भी चलते रहते हैं। एंड पेशेंट्स ये परसीव करते हैं कि हमारे को छाती का इन्फेक्शन चल रहा है क्योंकि हम स्मोकिंग करते हैं, इसलिए हमारे को खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है, और वो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा है कि एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो है ये डिफाइंड है जगह जगह पर, ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल दुनिया में लोग कम ही अडॉप्ट करते हैं क्योंकि उनको इससे डर लगता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर किसी ने हेवी स्मोकिंग करी है और वो 50 से 80 साल की उम्र के बीच में है, खासकर अगर उसको लंग की और कोई बीमारी भी है जैसे कि COPD, अस्थमा, तो इन केसेस का एनुअल लो डोज CT स्कैन कराना चाहिए जिससे कि हम लंग कैंसर को एक ऐसी स्टेज पे पकड़ें जहां वो बहुत अर्ली हो और वो पूरा ट्रीट हो जाए। बट ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल बहुत सारे कारणों के वश लोग नहीं करते हैं। साथ में इस बीमारी के साथ बहुत सारे स्टिग्मा एंड मिसकंसेप्शंस भी हैं जुड़े हुए। लोग घबराते हैं कोई भी सिम्टम को डिस्कस करने में डॉक्टर से, और वो ये सोचते हैं कि कैंसर का अगर हमें डायग्नोसिस पता लग गया तो इसका मतलब तो ये है कि वो एक डेथ सेंटेंस है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर ये ठीक स्टेज पर पकड़ा जाए। और एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि कुछ लंग कैंसर बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, तो हमें इतना समय ही नहीं मिल पाता पेशेंट को सिम्टम्स के हिसाब से कि वो जल्दी डायग्नोस हो सके। जब सिम्टम्स अराइज करते हैं तब तक ऑलरेडी स्टेज काफी लेट हो चुकी होती है। हम लगातार लंग्स कैंसर के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कई मिथ्स भी हैं, जैसे ई सिगरेट्स, लो टार और लाइट सिगरेट्स आर सेफर देन रेगुलर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? देखिए, बात ये होती है कि हम ना कोई जरिया ढूंढते हैं अपने एडिक्शन को पूरा करने के लिए, और हम सोचते हैं कि चलो एक चीज़ से नुकसान हो रहा है तो कोई और चीज़ ढूंढ लें जिससे कि हम शायद सेफ हो। एंड कई बार उसकी मार्केटिंग भी ऐसे हो जाती है जिससे कि लगता है कि चलो कुछ नहीं होता, ये तो ले लो, ये तो सेफ है। बट हमें ना इसका कुछ साइंटिफिक डेटा देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात आती है लो टार जो सिगरेट्स होती है। लो टार सिगरेट्स जो होती हैं वो एज हार्मफुल होती हैं, और उसमें भी जो स्मोक अंदर जाता है उसका पूरा चांस है कि वो लंग कैंसर कर सकता होता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी लंग कैंसर जो है लो टार सिगरेट से नहीं होता, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरा आता है पॉइंट, जो सिगरेट्स जिनमें वो मेंथॉल डालते हैं तो उससे उनको लगता है कि जी मेंथॉल तो सेफ है, क्या चीज़ है, पेपरमेंट मेंथॉल कोई खास बात नहीं है। ध्यान देने की बात है, मेंथॉल को आप समझ जाओ, सब जानते हैं कि जब हम अंदर लेते हैं एक कूलिंग इफेक्ट आता है। इसके कारण क्या होता है कि जो इंसान है ना और भी डीप सांसें लेता है, और डीप ब्रेथ्स लेने के कारण जो है वो फ्यूम्स और जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो और भी डीप लंग के अंदर जाता है, तो वो भी काफ़ी रिस्की है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका ई सिगरेट्स का, एंड ये एक नई चीज़ है, और बिलीव मी अभी भी साइंटिस्ट इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि जो ई सिगरेट्स हैं क्या वो सेफ हैं या नहीं है। और ये हमें समय बताएगा कि जैसे रिसर्च चलेगी कि कुछ साल जब बीत जाएंगे कि ई सिगरेट्स के भी अपने क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब ना करके और हम ये कोई रास्ता ना अपना के बेस्ट फॉर्म है कि हम स्मोकिंग को क्विट करें। और जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो उससे हमारे चांसेस ऑफ लंग कैंसर डेवलप होने रिवर्स होने लगते हैं, और हमारे लंग में जो इंजरी है वो रिवर्स होने लगती है, और हमारे एज कंपेयर टू एनी स्मोकर 10 साल में चांसेस ऑफ लंग कैंसर 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो लोग घबराते हैं, जैसे कई लोगों को डर लगता है कि टैल्कम पाउडर से यूज़ करने से भी लंग कैंसर हो सकता है। बट स्टडीज अभी तक ऐसा कोई प्रूव नहीं कर पाई है कि टैल्कम पाउडर अगर हम यूज करें तो लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है, तो वो क्वेश्चन एक ऐसा है जिसके बारे में हमारे पास अभी कोई मतलब जवाब नहीं है। और जो मिथ्स हैं उसमें ये है कि लंग कैंसर के बारे में लोग ये सोचते हैं कि एक बार बीमारी फैल जाए तो इसमें कोई इलाज पॉसिबल नहीं है और ये तो बड़ी जल्दी ही फेटल होगी। पर हमें समझने की बात यह है कि आजकल लंग कैंसर जो है ना वो एक बीमारी नहीं है। अगर दो इंडिविजुअल्स सेम स्टेज के लंग कैंसर के, सेम एज हाइट वेट के हमारे पास OPD में आए,
तो दोनों का सर्वाइवल और ट्रीटमेंट आउटकम बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, क्योंकि आजकल हम जो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो है लंग कैंसर की बायोलॉजी। मतलब एक तो होता है लंग कैंसर और लंग कैंसर का फैलाव जिसे हम स्टेज कहते हैं, दूसरी चीज होती है उसकी नेचर, उसकी बायोलॉजी, और जिसके लिए हम कुछ मॉलिक्यूलर स्टडीज करते हैं, कुछ मार्कर्स देखते हैं और कुछ म्यूटेशंस देखते हैं। कई बार हमारे पास ये तक भी इलाज होता है कि फैले हुए कैंसर में हमें सिर्फ एक गोली देनी पड़ती है जो पेशेंट को रोज खानी पड़ती है, हॉस्पिटल में सिर्फ महीने में एक बार आके ओपीडी में दिखाना पड़ता है और मरीज सालों तक ठीक ठाक रहते हैं। तो आज हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, प्रिवेंशन तो सबसे अच्छा होता है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी ये बीमारी हो गई है वो घर ना बैठ जाए ये सोच के कि जी हाँ अब तो हमारा एंड ऑफ द रोड है। बहुत अच्छे अच्छे इलाज अवेलेबल हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में सर्वाइवल सालों का है। जो एक चीज और मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करें कोई भी, खासकर स्मोकर्स में, क्योंकि अगर हम स्टेज वन में बीमारी को डायग्नोस करते हैं तो सर्वाइवल रेट 90% का होता है 5 साल पे, पर अगर वही चीज स्टेज टू की हो जाती है तो सर्वाइवल रेट 60% गिर जाता है, 60% पे आ जाता है। तो स्टेज हमारी बहुत मैटर करती है, जितनी जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे उतना मिनिमम इलाज पेशेंट को चलेगा और उतना ही क्योर का चांस बढ़ जाएगा। पर अगर बीमारी फैल भी चुकी है तो इसका मतलब एंड ऑफ द रोड नहीं है, आप तब भी सालों तक अच्छे रह सकते हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। We agree that prevention is better than cure. Lungs cancer के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए, अगर लंग कैंसर को रिस्क को कम करने की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे प्रमुख जो है एक हमें है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, और जो रिस्क फैक्टर्स जो हमारे लंग कैंसर को बढ़ाने के चांसेस करते हैं उसको हम अवॉइड करें। तो वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो बिल्कुल हमें क्लियर है जो सबसे कॉमन है वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से तो आपको बिल्कुल ही अलग होना पड़ेगा अगर आप करते हैं, और उसमें ये नहीं कि जी 5 की 2 या 10 की 2, आपको बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है ऑब्वियसली टोबैको। तो ये स्मोकिंग एंड टोबैको को हम जितना अपने जिंदगी से जल्दी दूर कर लें उतना हमारे चांसेस इस चीज़ के कम हो जाते हैं। सेकेंड बनता है हमारा सेकेंड हैंड स्मोक, और इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर हमारे घर में या हमारे ऑफिस में या कहीं फ्रेंड्स के बीच में कोई स्मोक करता है तो हमें उसको समझाना पड़ेगा कि ये उसके लिए तो अनहेल्दी है ही, साथ में वो आसपास के लोगों को भी रिस्क कर रहा है। अगर वो नहीं समझते हैं ये बात तो आपको उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको सेकेंड हैंड स्मोक को प्रिवेंट करना ही पड़ेगा। तीसरा रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको पहले बताया था वो है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मतलब जो काम करते वक्त वेरियस केमिकल से होता है, तो उसमें हमारे को स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से जो एहतियात बरतनी होती है वो हमें बरतनी पड़ेंगी, साथ में हमें मास्क ढंग से यूज करने पड़ेंगे और हमें ध्यान करना पड़ेगा कि ये चीज़ों का हमारा एक्सपोजर मिनिमम हो। और अगर सपोजिटली कोई इस जगह पे काम करता हो और उसको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको इमिजिएटली अपने फिजिशियन से जाके मिलना है। बाकी हमें जो ध्यान रखना है वो है कुछ गैसेस के बारे में, जैसे रेडॉन गैस ना बिल्डिंग्स में बेसमेंट बेसमेंट में इकट्ठी हो जाती है, तो ये एक्सपोजर भी हमारे लिए ठीक नहीं होता, तो एक वेंटिलेशन उस एरिया का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा पोल्यूशन के बारे में हम जितना कहें उतना कम है, क्योंकि पोल्यूशन हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा है, व्हीकुलर पोल्यूशन, अदर सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितना पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें, पोल्यूशन से दूर रखें बाय यूज़ ऑफ मास्क, मे बी बाय यूज़ ऑफ यू नो ये जो डिवाइसेस आती हैं जो पोल्यूशन को क्लीन करती हैं, वो हमारे को उतनी ही हेल्प करेगा। और अगर हम जितना हमारे घर को वेंटिलेटेड अच्छी साफ सुथरे ढंग से रख सकें वो उतना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो आता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, जिसके अंदर हम रेगुलरली एक एक्सरसाइज रेजीम अडॉप्ट करें जिससे हमारा बॉडी फिट रहे, हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें हम योगा भी कर सकते हैं। दूसरा, हम लाइफस्टाइल में डाइट को बहुत ध्यान दे सकते हैं जिसमें हम फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाएं जिससे हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो अच्छी मेंटेन हो, और हम जंक फूड से जितना दूर रहें उतना हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि जो भी ये फैक्टर्स हम बता रहे हैं ये सब एक साथ हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं, ये नहीं कि एक दो चीज़ें हमने करी और कुछ चीज़ों को हमने नकार दिया।
और जितना भी हम अल्कोहल से और दूर रह सकते हैं उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर अगर अल्कोहल में हम लेते भी हैं तो मिनिमम होना चाहिए वो, क्योंकि ये अल्कोहल भी बहुत सारे कैंसर्स में कैंसर ग्रोथ को प्रमोट करता है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है दर्शकों को हमारा ये शो देखने के बाद लंग कैंसर के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी। लंग कैंसर से जुड़े कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत इलाज करवाएं, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।